रुकेगा। हाँ ठीक है ना। अच्छा मल्टीप्लाई कब होता है? जब दोनों काम एक साथ हो, है ना, मतलब ए हो फिर जाके बी हो, है कि नहीं। जब ए हो साथ में बी हो, मतलब पहले हमारा क्या हो, पहले हमारा मतलब ए होगा फिर जाके बी होगा, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे? मल्टीप्लाई। ओके, और प्लस कब यूज करना है? जब हमें या आप ए करोगे या फिर बी, है ना, मतलब दोनों में आपको या तो आप ए कर लो या फिर आप बी कर लो, क्लियर है। तो आप क्या करोगे यहां पे? प्लस का यूज करोगे। हाँ अच्छा, ये बताया था, और कुछ बताया था? हाँ, और एक बताया था, एक एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन देख लो। एक हमने बताया था आपको ट्रेन का प्रॉब्लम, हाँ एक बार देख लीजिए, वहां से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, प्लस कब यूज करना है और मल्टीप्लाई कब यूज करना है। ओके, जैसे मान लो एक टाउन है टी वन, एक टाउन हो गया हमारा टी टू, एक टाउन हो गया हमारा टी थ्री, है ना। सो टी वन से टी टू जाने के लिए आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? थ्री वेज है सपोज, और टी टू से अगर आपने टी थ्री गया तो यहां पे नंबर ऑफ वेज कितने? चार तरीके, मतलब आप समझ लो तुम्हारा ट्रेन है ना, नेमली इस तरह हम दे देते ए बी सी, ओके, एंड दिस इज योर ट्रेन नंबर 1 2 3 4, है ना। तो कहने का मतलब आपके पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, मतलब T1 से T2 जाने के लिए वाई ए मीन वाई ए T2, है ना, बराबर है। एक मिनट को, और भी ऐड हो रहा है कुछ? ओके हाँ ठीक है, देखिएगा। तो फिर बेसिकली T1 से T3 जाने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या है? थ्री है ना, बराबर। ये तो आपको दिख रहा होगा A B C, या तो आप A को फॉलो करो या फिर B को या फिर C को, है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे अभी। देखो हम यहाँ पे वर्ड किस, मतलब वर्ड तुम्हारा यूज करे और, है ना, बराबर, इंग्लिश का और यूज कर ले। तो आपके पास तरीका क्या है? या तो आप ए को यूज करो, तो ए को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा? वन, है ना, या फिर आप क्या करो, बी को यूज करो, मतलब और बी को, तो बी के लिए क्या होगा नंबर ऑफ वेज? वन, इसके लिए भी वन, तो ऑब्वियसली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? थ्री वेज, है ना। सिमिलरली अगर आप देख रहे हो टी टू से टी थ्री जाने के लिए आपके पास नंबर ऑफ वेज कितना होगा? चार होगा, ये तो दिख ही रहा है ना, बराबर। अच्छा, अब क्या करोगे? पहले टी वन से टी टू जाओगे तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज थ्री, फिर आप क्या करोगे टी टू से टी फोर जाओगे, सॉरी मीन टी टू से लेकर कहां तक जाओगे आप? टी थ्री, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? फोर। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स आई हैव टोटल मीन्स 12 वेज, है ना, कि आप T1 से T3 जा सकते हैं, कहां तक? वाई ए T2, है ना। कुछ कुछ समझ में आया होगा, और भी कुछ कुछ करवाए थे। ओके, तो मेन मुद्दा यही था, मेन आपको सिखाया जाएगा यहां पे प्लस और माइनस, है ना, कब आप प्लस करोगे कब आप माइनस करोगे, बराबर, ठीक है। आगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना, जहां नहीं आएगा वहां आप बता दीजिएगा। ओके चलिए, तो आई थिंक हमारा मॉडल नंबर 3 हुए थे क्या लास्ट क्लास में? हाँ, तीन हो गया था शायद। ओके, तो अभी हम आएंगे मॉडल नंबर 4, मॉडल नंबर 4। ओके, ध्यान देना। अच्छा, मॉडल नंबर 4 में देखिए, सपोज आपके पास सेल्फ है ना, सेल्फ समझते हो, SHELF, मतलब तुम्हारा किताब रखने की जगह, हाँ। तो ये सपोज आपके पास कितने हैं? आपके पास चार बुक है, क्लियर, सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री, ये मतलब केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, हाँ ध्यान सुनना, और आपके पास सेल्फ भी कितने हैं? चार ही है, ठीक है, चार तरीके हैं, एक दो तीन चार, बराबर। आपके पास कितने मतलब होंगे तरीके इनको पुट करने का, बराबर, मतलब अरेंजमेंट हो सकता है ना, जैसे मान लो एक पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लिए पी सी एम बी, है ना, ये एक पैटर्न हो गया, मतलब यहां पे क्या हो रहा है? तुम्हारा पोजीशन डिफाइन हो रही है ना, फिजिक्स क्या है? फर्स्ट पोजीशन, केमिस्ट्री क्या है? हमारे सेकंड पोजीशन, मैथ थर्ड पोजीशन, बायो इधर फोर्थ पोजीशन, उसी तरह बहुत सारे पैटर्न बनेंगे, है ना। एक पैटर्न ये हो सकता है, पहले मैथ आया फिर आपका फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायो, ठीक है ना। तो यहां से आपको बताने कितने नंबर ऑफ वेज
कि इस तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, बराबर। ठीक है, आपको प्रॉब्लम क्लियर है? बराबर, प्रॉब्लम आपको क्लियर है? ओके, आपको प्रॉब्लम क्लियर हो? यहां पे आगे देखिए कैसे करना है। फंडा देखो, इसे हम कहते हैं बॉक्स मेटर, और इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज करने वाला है हम, तो इसे तो आप ध्यान से देख लो क्या होता है बॉक्स मेटर। ओके, चलो सिंपल एकदम समझा रहे हैं। मान लीजिए फर्स्ट सेल्फ के हिसाब से सोचते हैं ना, सेल्फ बराबर, यहां पे कितने बुक आ सकते हैं फर्स्ट पोजीशन में? यहां पे तुम्हारा आइदर फिजिक्स आ सकता है, या फिर केमिस्ट्री, या फिर मैथ्स, या फिर बायो, है ना। तो कितने वेज हो गए? आई हैव टोटल 4 वेज, है ना। कितने वेज हो गए? 4 तरीके हो गए कि आप यहां पे बुक को क्या कर सकते हो, यहां पे आप मतलब अरेंज कर सकते हो, है ना। फोर्थ वन में है ना, मीन्स आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायो, है ना। इसलिए क्या होगा, 1+1+1 बराबर है, 1+1+1+1 बराबर। डिटेलिंग से पढ़ा रहा है, क्लियर? अच्छा, अब मान लो यहां पे तो कोई ना कोई बुक तो आ गया होगा 100%, है ना, बराबर। अब आपके पास कितने आ गए? सपोज आपने फिजिक्स को प्लेस कर लिया वहां पे, है ना, बराबर है। मेरे पास 4 तरीके थे, या तो फिजिक्स, या केमिस्ट्री, या मैथ्स, या फिर बायो। हमने क्या किया, सपोज यहां पे फिजिक्स को प्लेस कर लिया। अब बताइए आपके पास कितने बुक मतलब बच रहे हैं? 1, 2, 3, ठीक है ना। कितने बच रहे हैं? 1, 2, 3 बराबर। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं यहां पे सेट करने का, मतलब पुट करने का नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 3 तरीके हो जाएंगे ना, क्लियर है यहां तक? पहले के लिए 4 तरीके, फिर क्या होगा नेक्स्ट के लिए नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 3। हाँ, आगे बढ़े। अब सपोज आपने अगर मैथ को प्लेस कर लिया, सपोज, हाँ क्लियर। अब आपके पास कितने ऑप्शन है? केमिस्ट्री एंड बायो, क्लियर। तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 2 तरीके बराबर है। 2 क्यों? यहां पे आइदर केमिस्ट्री आ सकता है, या फिर आइदर क्या आ सकता है? बायो आ सकता है, है ना। आपने सपोज केमिस्ट्री को प्लेस कर लिया, लास्ट ऑप्शन कितने बच जाएंगे आपके पास? 1, है ना। अच्छा, अब बताइएगा जो बीच में है, मतलब हमारे पास नंबर क्या आ गया? या तो 4, 3, 2, 1, है ना। अब इसके बीच कुछ आएगा, या तो प्लस या फिर मल्टीप्लाई, है ना, बराबर है। तो आपको बताना है प्लस आने वाला है या फिर आप मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। कोई बताओ क्या आएगा, प्लस आएगा या फिर मल्टीप्लाई आएगा? अच्छा, काम क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है ना, बराबर है ना, टुगेदर, समझ रहे हो ना। पहले आप फर्स्ट पोजीशन में फिक्स करोगे, फिर आप क्या करोगे सेकंड पोजीशन में, फिर थर्ड पोजीशन, देन फोर्थ पोजीशन। इसके लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। मल्टीप्लाई क्यों? एक साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है ना। पहले आपने इसको किया, फर्स्ट पोजीशन में फिक्स किया, फिर आपने यहां पे सेकंड पोजीशन में फिक्स किया, फिर क्या किया थर्ड पोजीशन, फिर यहां पे आपने लास्ट पोजीशन में फिक्स किया, है ना। मतलब ऐसा नहीं है ना, या तो पहला पोजीशन में फिक्स करो, या फिर आप दूसरा पोजीशन, या फिर तीसरा पोजीशन, या फिर आप थर्ड पोजीशन, बराबर है। तो आंसर कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 24 बराबर है। कितने वेज हो गए? 24 हो गए, क्लियर। अच्छा ठीक है, 24 हो गया। हाँ, डाउट नहीं है यहां पर किसी को? सिंपल था, है ना, सिंपल है ये। अच्छा, अब मान लो नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको, ये आपको बताना है, ठीक है। आपके पास 3 बुक है ना, कितने बुक है? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बराबर। बायो को हटा दिया, ऐसे भी कोई काम का सब्जेक्ट नहीं है वो, बराबर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। आपके पास सेल्फ कितने हैं? 3 है, 1, 2, 3। अब बताइएगा यहां पे नंबर ऑफ वेज कितना होगा यहां पे इन बुक्स को पुट करने का, बराबर। नंबर ऑफ वेज कितना होगा इन बुक्स को आपको यहां पे पुट करने का, या फिर अरेंज करने का? यहां पे देखो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, मतलब यहां पे परम्यूटेशन की बात हो रही है, क्लियर। यहां बात किसकी हो रही है? परम्यूटेशन की। सिक्स वेज, सेजल 6 वेज बता रही है, और कोई, और किसी का डिफरेंट आंसर, और किसी का डिफरेंट आंसर? हाँ, 6 सही है,
इसके लिए क्या करोगे, पहले आप यहां पे नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, यहां पे कितना लिख लोगे आप, थ्री वेज है ना। यहां पे मेरे पास आइदर आप फिजिक्स सब्स्टिट्यूट मतलब पुट कर सकते हो, या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स है ना। तो एक चला गया और दो बच गए, तो इसके लिए क्या होगा, फिर टू फिर वन, कितने हो गए, छह तरीके, बराबर है। चलिए अच्छा अब बताइएगा फटाफट। अब मान लो पांच है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायो को ले आते हैं, इंग्लिश भी रह गया है ना, बराबर, और सेल्स भी आपके पास पांच है, कितने हैं, पांच है, वन टू थ्री फोर फाइव है ना। अब बताइएगा आप नंबर ऑफ वेज कितना होगा, अब बताइएगा नंबर ऑफ वेज क्या होगा, है ना। काफी सिंपल चैप्टर है, ठीक है, वो स्टूडेंट लोग इसे हार्ड बना देते हैं, लेकिन काफी सिंपल चैप्टर है। अब बताइएगा नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 96, 120, डिफरेंट आंसर आ रहा है हमारे पास, एक 96 आ रहा है, एक 120 आ रहा है, और कोई डिफरेंट आंसर, और किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा है क्या, कैलकुलेशन आप सही से करो, 120, 120, हाँ सही है, बढ़िया, बहुत सही, जिसका 120 आ रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। यहां पे कितने होंगे नंबर ऑफ वेज, 5 है ना, हाँ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 है ना, कितने हो गए, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 24 × 5 दिस विल गिव यू कितना, 120, हाँ सही है ना। तो आंसर आप बताते रहना, बराबर, उसी उसमें क्या होता है ना, पढ़ाने में मजा भी आता है, खामोश मत बैठे बैठे रहना आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, अब प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज करते हैं, है ना, क्लियर, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब चेंज ये किया हमने, बुक्स डाल लिया PCM और बायो को भी ले लेते हैं ना। अब आपके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ गया, आपने एक सेल्फ को बढ़ा लिया है ना, सेल्फ समझते ना, बुक रखने का स्टैंड है ना, तो वो आपने एक बढ़ा लिया, एक दो तीन, अब पांच आ गए, कितने हो गए, पांच हो गए। तो अभी हमारे पास सेल्फ कितने हो गए, पांच सेल्फ हो गए, बुक्स कितने हो गए, बुक्स चार हो गए है ना, और सेल्फ कितने हो गए, पांच हो गए, बराबर। अब आपको बताना है नंबर ऑफ वेज कितना होगा, क्लियर, नंबर ऑफ वेज कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जो जिसको आता है वो आप मतलब बना मतलब बताओ के आंसर बताओ, और जिसको नहीं आता है वो आप यहां पे देखे है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ना, एक सेल्फ को तो हमें हटाना पड़ेगा, बराबर, एक सेल्फ को हटाना पड़ेगा। अच्छा यहां पे सुनो, दो तरीका होता है ना, हाँ ध्यान सुनना, मेथड वन और एक सिखाएंगे हम मेथड टू, बराबर। तो स्टार्टिंग में इतना बेसिक से, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, माय पीसी लैग फॉर ए सेकंड। अच्छा क्वेश्चन रिपीट करें, हाँ एक मिनट, प्रॉब्लम ये बता रहा है, देयर आर फोर बुक्स, ठीक है, और सेल्फ कितने हैं तुम्हारे पास, पांच है, बराबर, फाइव सेल्फ है, मतलब फाइव स्टैंडिंग का, मतलब पहले कितने थे, जितने नंबर ऑफ बुक्स थे उतने ही आपके नंबर ऑफ सेल्फ होते थे, अभी क्या है, एक बढ़ गया, एक दो तीन चार पांच, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होगा, उनको अरेंजमेंट करने का, ठीक है ना, उसको अरेंजमेंट करने का नंबर ऑफ वेज क्या होगा, बराबर। अच्छा हम आपको एक पैटर्न दे रहे हैं, मतलब एक पैटर्न आपको बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना, यहां पे केमिस्ट्री रखा, यहां मैथ रखा, यहां फिजिक्स रखा, यहां बायो रखा है ना, ये मतलब वन ऑफ द पैटर्न बता रहे हैं आपको, क्लियर। ये क्या आपका वन ऑफ द पैटर्न है, तो इसमें क्या हो गया, एक खाली हो गया है ना, बराबर। अच्छा अब सुना ध्यान से, दो तरीका से आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो बुक्स के हिसाब से है ना, या फिर आप सोच सकते हो सेल्फ के हिसाब से, ओके। तो मेथड वन में हम क्या करेंगे, बुक्स के हिसाब से सोचेंगे,
और मेथड टू में हम क्या करेंगे, सेल्फ के वजह से सोचेंगे। अच्छा क्लियर। अब आप ये सोचो, अगर मान लो बुक्स के हिसाब से सोच रहे हैं, मतलब सपोज हमारे पास फिजिक्स है, ओके, तो फर्स्ट बुक हमने ले लिया है ना, फर्स्ट बुक हमने लिया रहा फिजिक्स, फिजिक्स को पुट करने का उस सेल्फ में नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, फिजिक्स को पुट करने का नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, कितना ऑप्शन रहेंगे। चलो ये सबको हटा देते हैं, अब देखिए ध्यान से, हम कितने वेज है आपके पास फिजिक्स को सब्स्टिट्यूट करने के, मतलब पुट करने के पांच तरीके है ना, फिजिक्स या तो यहां आ सकता है, या फिर यहां पे, या फिर यहां पे, या फिर यहां पे, या फिर यहां पे, है ना। या का यूज कर रहे हैं, हिंदी वर्ड है, इसका मतलब प्लस होगा, दैट मीन वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, है ना। कितने हो गए, पांच तरीके हो गए, कितने हो गए भाई, पांच तरीके हो गए, है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, पांच। तो फिजिक्स के हिसाब से पांच आया, ठीक है ना, फिजिक्स के हिसाब से। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट देगा केमिस्ट्री। अच्छा जब आप बुक्स लोगे, चलो यहां पे लेते हैं एग्जाम्पल, जब समझाई रहे एक तो बराबर, तो आपने सपोज कहीं पे फिजिक्स पुट कर लिया है ना, यहां पे सपोज फिजिक्स पुट कर लिया, बराबर। आगे अब हम सोचेंगे केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के पास कितने ऑप्शन रहेंगे, केमिस्ट्री के पास कितने ऑप्शन रहेंगे। देखो एक तो ऑक्यूपाई कर लिया घर, है ना, एक फिजिक्स ऑक्यूपाई कर लिया, कितने बच गए, एक दो तीन चार, मतलब आई है टोटल फोर वेज, चार तरीके हैं आपके पास केमिस्ट्री को पुट करने के लिए। अच्छा बीच में क्या आएगा, प्लस या फिर मल्टीप्लाई, इतना आपको क्लियर हो गया होगा यार, मल्टीप्लाई आने वाला है ना, क्योंकि एक साथ होगा, पहले फिजिक्स पुट होगा फिर जाके आपका केमिस्ट्री पुट होगा। और सपोज केमिस्ट्री ने भी एक जगह ले लिया, मैथ्स के पास कितना बच गया जगह, मैथ्स के पास कितना रहा, तीन ही रह गए ना, दो तो चले गए कहीं पे, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए यहां पे, मल्टीप्लाइड बाई थ्री, ओके। और सपोज मैथ यहां पे आ गया, अब बायो की बारी आई, तो बायो के पास कितने ऑप्शन है, बायो के पास कितने हैं, चार ऑप्शन है ना, बायो के पास कितने हो गए, चार ऑप्शन है, सॉरी सॉरी चार नहीं, दो ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन है। तो सपोज बायो यहां पे आ गया है ना, एक जगह तो खाली रहेगा, सही है, तो हमारा आंसर कितना आएगा यहां पे, 120 है ना, 120, क्लियर है। यहां पे हमने क्या किया, बुक्स के हिसाब से सोचा, अकॉर्डिंग टू बुक्स, हाँ कैसे सोचा, एक बार फिर सुन लो, पहले आप सोचोगे फिजिक्स है ना, फिजिक्स के पास कितने ऑप्शन है, ऑब्वियसली जितने स्पेस है उतने ऑप्शन रहेंगे, पांच सेल्फ है उसके पास, तो ऑब्वियसली क्या होगा वहां पे, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, पांच, क्लियर। फिर आई भाई, फिर मतलब बारी है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के लिए कितने ऑप्शन बच जाएंगे, चार, मैथ के लिए कितने आ जाएंगे, तीन, बायो के लिए कितने आ जाएंगे, दो, हाँ ठीक है। चलो यहां तक आप लिख लो, समझ लो, आप नेक्स्ट देखिए सेल्फ के हिसाब से सोचते हैं ना, सेल्फ का, तो सेल्फ के हिसाब से अगर हम सोचते हैं, तो फिर सेल्फ क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब किसी को हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बुक्स हमारे पास चार है, सेल्फ तुम्हारे पास पांच है, तो आपके पास आपको एक सेल्फ को हटाना पड़ेगा, तो आप इसको हटा दीजिए, एक हट गया है ना, अगर एक हट गया तो फिर मतलब एक हट गया तो फिर क्या हो गया आपके पास, यहां पे कितने होंगे। अच्छा ये तो हमने किया ना, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास बुक्स भी चार है और सेल्फ भी चार है ना, तो इसका हमने डिटेलिंग कर लिया था, इसका हमने डिटेलिंग अभी किया ना, यहां पे चार बुक्स एंड चार सेल्फ, कितने आते हैं आंसर, 24 है ना, या फिर ऐसे रखो यार 4 3 2 1, दैट इज 24, यहां क्लियर है, बराबर है। अच्छा ये तो हुआ कि ना, अगर हम थर्ड सेल्फ को हटा दिए तो, है ना, हमारे थर्ड सेल्फ में हमने बुक यहां पे पुट नहीं किया। अच्छा नेक्स्ट क्या हो सकता है, इस तरह से और भी पैटर्न आ सकते हैं ना, इस तरह से और भी पैटर्न आ सकता है, हो सके हम इसको हटा दे फर्स्ट वाले को, ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होगा, तुम्हारा नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, मीन्स 24 ही रहेंगे ना, बराबर है, तो सबके लिए तो 24 ही बनेगा, और ये सेल्फ आप कितने बार हटाओगे,
ऑब्वियसली तुम्हारे पास जब पांच सेल्स है तो क्या करोगे, एक एक बार सबको आप हटाओगे। पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट को हटाओगे, बुक का आपने अरेंजमेंट किया तो क्या आ गया, चार, बराबर, चार सेल्फ चार बुक्स आपने बना लिया। फिर आपने क्या किया, सेकंड को हटाया, सेम प्रोसेस, थर्ड को हटाया, फोर्थ को हटाया, फिफ्थ को हटाया, है ना, बराबर। तो क्या हो गया, 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि मैं सेम चीज कर रहा हूं, है ना, सेम एक्सपेरिमेंट या फिर सेम चीज हम कर रहे हैं, कितने बार, अप टू 5 टाइम्स। तो क्या होगा ये, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, तो कितने आ जाएगा आंसर, 120। क्लियर है? तो या तो आप बुक से सोचो या फिर आप सेल्फ से सोचो। खैर मेरा तो मेथड अच्छा, मुझे ये लगता है मेथड वन, हम सोचते हैं अकॉर्डिंग टू बुक्स। हाँ, अगर आप अकॉर्डिंग टू बुक्स सोचे तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगा, इसे भी आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, जैसा जिसका होगा, या फिर मेथड वन या फिर मेथड टू, बराबर। एक प्रॉब्लम को इस चैप्टर का वही खास बात है, बहुत सारे मेथड आपको मिलेगा, आप जैसे भी सोचो कोई मतलब नहीं है, बस आपका सोच सही होना चाहिए, मतलब क्या आप सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, कैसे आप टैकल कर रहे हो प्रॉब्लम को, उस हिसाब से। हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, बस प्रॉब्लम बन जाना चाहिए और जल्दी बने, ठीक है, ऐसा नहीं 3 घंटा लेके बैठ गए, 4 घंटा लेके बैठ गए, आधा घंटा लेके बैठ गए, वैसा नहीं। हाँ, और सही दिशा में सोचना है। चलिए, तो होपफुली यहां तक तो शायद क्लियर होगा आपको, है ना, यहां पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक प्रॉब्लम करवाते हैं इसके ऊपर। लास्ट क्लास में कुछ करवाया था, अरे चलो पहले एकदम सिंपल लेते हैं, डिजिट्स की प्रॉब्लम है। बेसिकली एक प्रॉब्लम बनता है यहां पे डिजिट्स का, एक बनता है तुम्हारा वर्ड्स प्रॉब्लम, हाँ दोनों सेम है, डिफरेंस नहीं है। चलिए देखिएगा ध्यान से, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज to form number one three digit numbers using the digit 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, और लास्ट क्लास को आपको सर लिंक भेजा देंगे, वहां पे जो समझाया गया ना, जो बच्चे नहीं प्रेजेंट थे वो आप वहां से देख लेना। हाँ ठीक है, ऐसे फर्स्ट क्लास में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है, और जो मेन चीज पढ़ाया गया था वो तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब देख लो क्या पूछ रहे हैं आपसे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म थ्री डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन, है ना, विदाउट रिपीटेशन मतलब जो नंबर आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, है ना,
जैसे मान लो एक नंबर हम यहां पे हम लिख रहे हैं इसका एग्जांपल 351 है ना, बराबर। यहां पे देखो आपका रिपीटेशन आ गया, सॉरी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अब विथ रिपीटेशन में क्या होगा कि इसमें ऐसे भी नंबर्स आ सकते हैं जो रिपीट हो जाए, जैसे मान लो 311 है ना, रिपीटेशन हो गया, बराबर है ना, ठीक है, क्लियर। चलो फर्स्ट बनाते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहां पे नंबर्स की अगर बात हो तो हम लोग कोशिश करते हैं मैक्सिमम हम लोग बॉक्स मेथड यूज करेंगे, है ना, जो आपको अभी पढ़ाया गया ना मॉडल नंबर 4 वही हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। हाँ अच्छा, ले जो यहां से कैसे करेंगे, 3 डिजिट की बात हो रही है, 3 डिजिट हम मतलब सभी को पता है यहां पे क्या होता है, यहां पे 1 होता है, यहां पे 10, यहां पे 100 है ना, ऐसा देखने को लायक कुछ रहता है 100 10 1। अब यहां पे कितने नंबर्स आ सकते हैं वो सोचो आप, है ना, यहां पे कितने, यहां पे कितने, वहां पे कितने, खत्म। अब सोचो 100 के प्लेस में कितने नंबर्स आ सकते हैं, आपके पास कितने ऑप्शन है, चलो कोई बताओ 100 के प्लेस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, 5, हाँ 5 सही है, वेरी गुड, क्योंकि यहां पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 है ना, बराबर। तो यहां पे हम 5 लिखेंगे, 5 का मतलब मेरे पास 5 तरीका है ना, जब हम बॉक्स के अंदर कुछ दे रहे हैं ना इसका मतलब क्या हो रहा है ना, वो तुम्हारा तरीका बता रहा है ना, वो नंबर्स नहीं बता रहा है, क्लियर, वो नंबर्स नहीं बता रहा है। जब आप लिखोगे 5 इसका मतलब है ऐसा नहीं कि यहां पे सिर्फ 5 डिजिट आएगा, क्लियर, यहां पे कौन कौन आ सकता है, मीन्स इधर 1 और 2 और 3 और 4 और 5, क्लियर है। तो सबके लिए क्या होगा, सबके लिए क्या होगा, मतलब एक एक तरीका, बराबर है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 = 5 आ गया। चलिए यहां पे कितने आ सकते हैं डिजिट, देखो एक का तो आपने यूज कर लिया है ना, जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो कोई ना कोई तो आया होगा ना, सपोज 1 आ गया तो कितने हो गए नंबर, ऑप्शन कितने हो गए आपके पास, 4, तो यहां पे क्या हो गया नंबर ऑफ वेज 4 हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट कितने रहेंगे, एक तो आपने यूज कर लिया, खत्म, कितने ऑप्शन बच गए, 1 2 3, मतलब यहां पे कितने हो गए, 3 हो गए, बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा बहुत स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देते हैं 543 है ना, मेहरबानी करके वो गलती मत लिखिए वरना पूरा सिखाया हुआ पूरा पानी में चला जाएगा, 5 × 4 × 3 लिखो, लिखेगा कितना आ गया 60, मतलब टोटल आपके पास 60 वेज होंगे या फिर 63 डिजिट नंबर्स होंगे जो आप इन डिजिट से बना सकते हो, है ना। अगर विश्वास नहीं हो तो फिर आप घर पे पूरा करके देखना, 60 ही आने वाला है, क्लियर, लेकिन उतना विश्वास रखना कम से कम, चलो है ना। तो ये तो हो गया फर्स्ट, ये सभी को शायद क्लियर होगा, डाउट होगा तो बता देना, बराबर बता देना, हाँ सर फिर से आप रिपीट कीजिए, तो फिर से हम रिपीट करेंगे, 10 बार बोलेगा तो 10 बार करेंगे। यहां पे क्या बता रहा है, विथ रिपीटेशन है ना, यहां पे क्या बताया जा रहा है जी, विथ रिपीटेशन मतलब जो नंबर आ गया वो दोबारा आ सकता है, क्लियर, तब तो सिंपल है यार। हाँ देखिएगा, फिर हम दोबारा नहीं लिखे ना, 1 10 100 वो बार बार नहीं लिख रहे, तो सेम यहां पे ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट मतलब यहां पे 100 प्लेस में आप कितने नंबर को ला सकते हो, 5 है ना, कितने ला सकते हो, 5, सेम रहेगा है ना, फर्स्ट वाले के लिए सेम रहेगा, 5 तरीके हो सकते हैं। अच्छा सेकंड जो आपका 10th प्लेस है वहां पे कितने नंबर आ सकते हैं बताओगे कोई, सेकंड प्लेस में कितने नंबर आ सकते हैं, कितना बता रहे, 5, हाँ 5 बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे रिपीटेशन हो रहा है ना, यहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो नंबर्स आप ले लिए फिर आप उसे दोबारा ले सकते हो, तो कितना आएगा यहां पे, 5 आएगा, बहुत सही। थर्ड के लिए क्या रहेगा, सेम कहानी, थर्ड के लिए भी क्या होगा यहां पे, 5 ही आ सकते हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा आंसर, 125 है ना, 5 × 5 × 5 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 125, क्लियर। अच्छा चलिए थर्ड,
थर्ड नंबर हाँ थर्ड नंबर के लिए क्या पूछा जा रहा आपसे थर्ड नंबर से आपसे क्या पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म थ्री डिजिट इवन नंबर्स। यहां पे एक उन्होंने चालाकी कर दिया इवन नंबर्स आपको बताने हैं यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4 विदाउट रिपीटेशन। बराबर है किसी का माइक शायद ऑन है तो आप म्यूट कर लेना। ठीक है विदाउट रिपीटेशन बता रहा है। अच्छा इवन नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इवन नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या आता है, इट इज आइदर 2 or 4 or 6 or 8 और एक नंबर लिखा ही नहीं हमने यार 0 है ना। अगर ये सब नंबर्स आपके अगर लास्ट डिजिट पे आ जाए मतलब वन प्लेस में अगर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं ना, वो तो सभी को पता होगा। तो इसमें क्या क्या है इवन नंबर आपके पास, 2 है और 4 है ना, दो नंबर है बराबर। तो इसे करने का तरीका देख लो। ये हो गया एक, ऐसा करेंगे यहां पे अभी एक डिजिट को हम फिक्स करेंगे है ना, क्या करेंगे फिक्स करेंगे। तो सपोज आपने एक केस में यहां पे 2 फिक्स कर लिया, एक केस में हमने यहां पे क्या किया 2 फिक्स कर लिया, एक केस में आपने क्या किया 4 फिक्स कर लिया। ठीक है अच्छा बीच में हम लिख रहे ऑड, और क्यों, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ना, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा पहले से बता दे, जब हम यूज करेंगे ना गोला जब देंगे मतलब सर्कल लेंगे ना नंबर पे, मान लो ऐसा दे दिया 8 दिया या 7 दिया है ना, तो इसका मतलब क्या होगा ना, आप क्या समझना कि हमने 7 को फिक्स कर लिया। बराबर जैसे यहां पर हम गोला नहीं दे रहे, यहां का मतलब क्या, यहां पर नंबर 5 नहीं है, यहां पर क्या ये नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितने हैं 5 है ना, यहां पे कितने नंबर ऑफ वेज 4, यहां पे कितने नंबर ऑफ वेज है 3। क्लियर है? अब ध्यान सुनना, जब हम फिक्स कर रहे हैं गोला दे रहे हैं मतलब सर्कल दे रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि यहां पे 2 आ चुका है बराबर, 2 यहां पे बैठ चुका है। क्लियर? और इसका मतलब क्या होगा, यहां पे 4 आ चुका है, 4 यहां पे बैठ चुका है, और इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितना काउंट होगा पता है, 1 होगा एक तरीका। बराबर मतलब 2 को उस पोजीशन में बैठाने के लिए नंबर ऑफ वेज क्या होगा, एक ही तरीका होगा ना बराबर, सिर्फ और सिर्फ यहां पे 2 होगा। तो जब हम गोला दे तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ वेज क्या होगा 1 है ना। ऐसा नहीं जब आप कैलकुलेट करो तो नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई कर लो 2 मल्टीप्लाई कर लो 4 है ना। क्लियर है? जब हम गोला दे तो याद रखना कि इस कहानी में जो नंबर ऑफ वेज होगा, नंबर ऑफ वेज यहां पर हमेशा क्या होगा 1 होगा। क्लियर? नंबर ऑफ वेज क्या होगा 1 होगा। हाँ ठीक है, फिर हम बार बार नहीं बताने जाएंगे है ना, ये हम लिखे उसका मतलब 2 मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा चलिए 2 तो खत्म हो गया भाई, तो कहां पे ले, चलो यहां पे कुछ बताते हैं। क्या क्या था आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 को तो आपने बैठा दिया तो 2 का मामला हो गया खत्म। अब कितने हो गए नंबर ऑफ वेज, सॉरी नंबर कितने हो गए 1, 2, 3, 4 है ना, 4 नंबर में से कोई भी नंबर यहां बैठ सकता है ना, 4 नंबर में से कोई भी नंबर यहां बैठ सकता है 100 के प्लेस में, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा यहां पे 4 है ना, कितने होंगे नंबर ऑफ वेज 4 हो जाएंगे है ना। मेरे पास 4 नंबर है, 4 नंबर को हम बैठा सकते हैं, कौन कौन सा, 1 बैठ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 बैठ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 को तो आपने बैठा दिया यार, सपोज आपने 4 को बैठा दिया है ना, अब आपके पास कितने हो गए नंबर 1, 3, 5 बज गए, मतलब नंबर वेज कितना होगा 3 वेज होगा। ठीक है, तो इसको जब आप इससे जब आप आंसर निकालोगे है ना, इससे जब आप आंसर निकालोगे तो क्या होगा 4, 3, 1 कितने आते हैं 12, कितने हो गए
12, 12 नंबर होंगे। अगर आपने लास्ट प्लेस में 2 रखा तो फिर ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे, 12 नंबर बनेंगे, है ना, क्लियर है। तो हमने आपको यहां दो बातें सिखाया, पहला क्या, नंबर्स को फिक्स करना, फिक्स कैसा करोगे, गोला मार के फिक्स करोगे, और उसको फिक्स करने का नंबर कितना होगा, एक ही तरीका होगा, है ना, क्योंकि ये बार बार हम यूज करेंगे, है ना, इसलिए इतना बार बता रहे हैं क्योंकि बार बार हम यूज करेंगे, है ना, तो उस टाइम फिर आपको दिक्कत नहीं हो। अच्छा, तो इसके लिए तो आपको समझ में आ गया फटाफट, ये सारे काम कीजिए। जब आपने फोर्थ सब्स्टिट्यूट किया, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, पहला नंबर ऑफ कितना होगा, एक ही होगा, है ना, फोर को लाने का नंबर ऑफ एक ही होगा, फोर चला गया, कितने बच गए, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर में से आप किसी को भी बैठा लीजिए, 4 होगा, फिर एक चला गया तो अब कितने बच गए, नंबर ऑफ 3 बच गया, है ना, तो इसके लिए क्या होगा ऐसा जी, 4, 3, 1 कितने होगा, 12। अच्छा, अब बताइए हम क्या करेंगे, यहां पे 12 + 12 करेंगे या फिर 12 × 12 करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 12 + 12 करोगे या फिर 12 × 12 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या फिर प्लस करोगे, बताइए आप। क्या होगा, प्लस होगा ना। अच्छा, प्लस क्यों होने वाला है, क्योंकि यहां पे देखो पहले ही हमने लिख दिया और, ठीक है ना, यहां पे हमने क्या लिख दिया, और लिख दिया। अगर हमने और लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस होगा, या तो ये केस पॉसिबल हो सकता है या फिर ये केस पॉसिबल हो सकता है ना, इसलिए आप मेहरबानी करके जो बच्चा ये सोच रहा है वो तो दिमाग से ये निकाल दो, है ना, बराबर। तो क्या होगा आंसर हमारा, 24, 12 + 12 कितना होता है, 24, ओके। अच्छा चलिए, नंबर 4 का आंसर कोई बताया जाएगा हमें, नंबर 4 का आंसर कोई बताएगा हमें, नंबर 4 का आंसर, चलो आप बताइए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। जीता 36 आ रहा है आंसर, एक बता रहे हैं, और कोई बता रहा है क्या, और किसी का इससे डिफरेंट आंसर, 36 के अलावा किसी का डिफरेंट आंसर, एक तरीका तो हो गया, जैसा हमने किया वैसा आप कर लो, है ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1, 3, 5 फिक्स करना पड़ेगा, है ना, तो उससे क्या होगा, 12 ही आने वाले हैं, बराबर, क्योंकि एक फिक्स हो रहा है यहां पे, क्या आएगा, 4 और 3, और किसी का आंसर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, नहीं 24 तो नहीं होगा, 36 आंसर सही है, 36 जिसका आया वो आंसर सही है ना। या फिर आप ये देखो, देखो उससे आ जाएगा, है ना, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो उससे आपका आंसर आएगा 100%, ओके। और क्या हो सकता है, देखो नंबर्स क्या होते हैं, जो आपके इंटीजर्स जो भी नंबर्स रहेंगे ना, नेचुरल नंबर्स जो बन रहे हैं, वो उस यहां पे क्या होगा कि ना, दो ही नंबर पॉसिबिलिटी होगा ना, या तो वो नंबर ऑड होगा या फिर इवन होगा, बराबर है, ठीक है ना, दुनिया में दो ही बातें हो सकती है, या तो वो नंबर ऑड होगा या फिर इवन होगा, क्लियर। अब ठीक है ना, अब तो ऐसा नहीं होगा ना, मतलब पार्शियली ऑड पार्शियली इवन ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑड प्लस इवन क्या होने वाला है आपका, टोटल नंबर्स फॉर्म्ड, ओके, ठीक है, टोटल नंबर्स फॉर्म्ड। हमारा इवन कितना आया, 24, आपने टोटल नंबर्स भी निकाल लिया, कितना आ गया, 60 आया था, हाँ, विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहे हैं हम,
तो हमारा 60 आ गया था, तो अब बच गया ऑड, ऑड निकल जाएगा ना, अब क्या होगा 60 माइनस 24 आंसर कितना आ गया 36 है ना। ये भी एक तरीका है, या फिर आप डिटेलिंग से भी कर सकते हो, लेकिन बाद में जाके हम इसको ज्यादा मतलब वैल्यू देने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है ना बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में ऐसे पूछा जाता है। क्लियर? मतलब ये निकालना आसान होता है, ये निकालना आसान होता है, ये भी निकालना आसान होता है, मतलब और ये थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट हो जाता है जब एडवांस लेवल का प्रॉब्लम बना रहे हो ना। जब एडवांस लेवल का प्रॉब्लम मतलब बनाओगे ना, तो ये मेथड आपके डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत। क्लियर? तो मेथड ऐसा सोचा जाता है कि ना माइनस करने से आ जाएगा, खैर वो सब बताएंगे आगे चल के। अच्छा देखो 36 एक तो आया होगा आपका वैसे, मतलब फिक्स करने के बाद वो आ गया होगा है ना 36। और एक क्या बता रहे हैं हम, दो कहानी हो सकते हैं यहां पे, ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर प्लस नंबर ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू क्या होने वाला है, टोटल नंबर फॉर्म, कितने नंबर फॉर्म हुआ है ना। अब देखो हमने इवन निकाला 24, टोटल नंबर हमारा कितना आया था 60 आया था, देखो ना फर्स्ट में आया था ना, टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट फॉर्म्स विदाउट रिपीटेशन। क्लियर? बराबर। तो हमने क्या किया, 60 माइनस 24 कर लो तो आपका क्या आने वाला, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है ना। चलिए अब इसी प्रॉब्लम को नहीं, ठीक है चलिए चेंज कर देते हैं, ये हो गया होगा आपका है ना। ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा ध्यान से। मतलब है उसी की तरह, एक डिजिट एक्स्ट्रा ले लेंगे हम लोग। यह आपसे पूछना चाह रहा है हाउ मेनी, थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट जीरो वन टू थ्री फोर फाइव है ना। इफ नंबर वन रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, इफ नंबर वन रिपीटेशन इज अलाउड, सेकेंड repetition is not allowed, ठीक है। दो कहानी है यहां पे, repetition allowed हो रहा है, repetition allowed नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा इस बात का ख्याल रखे कि ना इन जनरल पे मेंशन कर दिया जाता है ना रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है ना प्रॉब्लम में, तो आपको समझना ये है कि रिपीटेशन अलाउड है ना। बराबर? तो आप बाय डिफॉल्ट समझोगे कि ना रिपीटेशन अलाउड है। चलो एक बच्चे का आंसर भी आ गया, क्या बता रहे, 216 एंड 120। ओके ठीक है चेक करते। तो पहला नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, अब यहां पे दिक्कत ये आ गया, सिर्फ तुम्हारा जीरो आ गया है ना। नंबर्स क्या आ गया, तुम्हारा जीरो आ गया, जीरो आ गया, इसलिए दिक्कत हो गया। अच्छा काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। ओके ठीक है देखते हैं। हाँ चलिए एक बार देखिए फिर से आप क्या हो रहा है। पहले रिपीटेशन अलाउड है ना, रिपीटेशन अलाउड है। अच्छा यहां पे इस प्लेस में 100 प्लेस में कितने नंबर्स आ सकते हैं है ना,
मतलब ट्रिक आपका ही, मतलब यहीं पे छुपा हुआ है ना। कितने नंबर आ सकते हैं? देखो यहां पे जीरो नहीं आ सकता है ना। अब जीरो आने से क्या दिक्कत है, मान लो कोई ऐसा नंबर आ गया 013, तो ये नंबर क्या हो गया हमारा, दिस इज योर टू डिजिट नंबर, बराबर। ये आपका थ्री डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम मेंशन कर दिया गया है थ्री डिजिट नंबर। ओके, तो यहां पे ऑप्शन कितने रहेंगे, यहां पे पांच आएगा, कितने आ जाएंगे जी, पांच आएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है हमें किससे दिक्कत है, जीरो से। चलो रिपीटेशन अलाउड है, मतलब जिसको आपने ले लिया उसको आप फिर से ले सकते हो। तो यहां पर कितने आ जाएंगे, सिक्स आएगा ना, क्लियर। 1 2 3 4 5 6, कितने ऑप्शन बचेंगे आपके पास, छह ऑप्शन, क्योंकि यहां पे जीरो आ सकता है ना। और यहां भी सिक्स हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये आपका 180 देने वाला है ना, 30 × 6, हाँ सही है, 180। ओके, सेकंड, सेकंड में क्या है, यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अच्छा काम करते, पहले फर्स्ट डिजिट के साथ देख लेते हैं। यहां पे मतलब कितने नंबर आ सकते हैं, जीरो को छोड़ के सभी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, भैया पांच नंबर आ सकते, कितने आ सकते भाई, पांच नंबर है ना। अब यहां पर कितने आएंगे, यहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब अगर सपोज आपने 2 को पुट कर लिया तो आपके पास कितने, मतलब कितने अभी मतलब बच गए, 1 2 3 4 5 है ना, कितने हो गए, पांच नंबर अभी आप यहां पे पुट कर सकते हो, कितने आ गए, पांच आ गए है ना। आप सपोज अगर जीरो को आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया तो अब कितने आ गए, 1 2 3 4, कितने आ गए, चार तरीके, क्लियर है, बराबर। स्टेप बाय स्टेप करोगे आंसर आपका 100% आएगा, कितना आएगा आंसर इसका, 20 × 5, यार 100 आ रहा है क्या, 25 × 4 तो 100 होता है, आप लोगों का कितना आ रहा था, 120 आ रहा था, नहीं 120 तो नहीं होगा, हाँ सिर्फ एक का सही है, तो क्या है, रुजुता, हाँ इसका सही है रुजुता का बस, हाँ 100 आएगा, 25 × 4 100 होता है भाई, तुम लोग हमको कंफ्यूज में रख दिया है, अभी हम 120 लिखने वाले थे, चलो 100 आ गया, बराबर। तो डिजिट्स के तो प्रॉब्लम बन जाएगा आपसे है ना। चलिए आगे बढ़े, देखो एक ही टाइप का प्रॉब्लम हम बार बार नहीं कराएंगे है ना, क्लियर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स करवाते हैं ताकि कम टाइम में जितने से जितने कवर हम लोग कर सके। अब बाकी आप लोग का महिमा है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका चैप्टर अच्छा होगा। अच्छा चलिए, आप एक बार इसको ट्राई करो है ना, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स मोर देन 600 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 2 3 4 6 7, how many three digit numbers can be formed using the digit 2 3 4 6 7?
हाँ बताइएगा इसका आंसर। एक बार आप ट्राई करें, एक बार आप अटेम्प्ट करें, फिर सिक्स हंड्रेड से ग्रेटर होना चाहिए और कंडीशन क्या है, थ्री डिजिट नंबर्स ही होने चाहिए, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मेन से पूछा था, हाल फिलहाल का है। हाँ ठीक है, तो मेरा पेपर नहीं है लेकिन बताते हैं उसको। अच्छा देखिए, 600 से अगर ग्रेटर होगा तो पहले तो आपने सोचा होगा कि थ्री डिजिट नंबर्स करना है, ऐसा कुछ है ना, 100, 10 and 1। ओके तो देखो, फर्स्ट प्लेस में 2 नहीं आ सकता यार, है ना, क्योंकि अगर 2 आ गया तो दिक्कत क्या है, 200 समथिंग आ जाएगा, है ना। 3 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, रिस्ट्रिक्शन हो गया भाई उसके ऊपर। हाँ 6 जरूर आ सकता है। अच्छा ये बताइए यहां पे क्या है, रिपीटेशन अलाउड है या फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कुछ यहां मेंशन नहीं किया गया है ना। तो हमने पहले आपको बताया गया था, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा कि ना रिपीटेशन यहां पे अलाउड है ना। वैसे अच्छे प्रॉब्लम में वो मेंशन हमेशा कर दिया जाएगा, है ना, बराबर। अगर आपका कंपटीशन लेवल का होता है, मतलब मेंस की या फिर सीईटी या फिर तुम्हारा एडवांस में, तो हमेशा वो मेंशन कर दिया जाता है ना, रिपीटेशन अलाउड है या फिर नहीं अलाउड है, बराबर। आपसे छुपन छुपाई नहीं खेलता है, बराबर। लेकिन ये सब बोर्ड में आ जाता है, बराबर, बोर्ड में ये सब रहेगा, कुछ लिखा नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होती है। हाँ जो भी आपको बाय डिफॉल्ट समझना है, रिपीटेशन अलाउड है, क्लियर। तो अब यहां पे क्या आ सकती है, यहां पे फिर वही फिक्सिंग का करते हैं हम लोग, सिक्स को फिक्स कर लिया हमने, बराबर है, मतलब नंबर ऑफ बिट्स कितने हो गए, 1। एक तरीका आ गया यार, एक तरीका आ गया ना, चलो 6 तो फिक्स हो गए, अब कितने बच गए तुम्हारे पास। अच्छा रिपीटेशन अलाउड है ना, सबको लेना है यार, 1, 2, 3, 4, 5 कितने होंगे भैया, 5 है ना, 5 तरीके होंगे, यहां पे कितने होंगे, यहां पे 5 होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 25, ठीक है ना। 5 × 5 कितने हो जाएंगे, 25। ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर क्या होगा, अरे हमने 6 को फिक्स किया ना, अरे यार हमने 6 को फिक्स किया, अब क्या कर सकते हैं, और एक आप फिक्स क्या कर सकते हो, 7 को फिक्स कर सकते हो, है ना। आपने जैसे 7 को फिक्स कर लिया, नंबर ऑफ बिट्स क्या आ गया, 1, फिर वही 5, फिर 5 कितने हो गए, 1, 5, 5 कितने हो गए जी, 25, है ना। किसी को डाउट है बताइए, यहां पे किसी को डाउट है तो बताइए। अच्छा, अब ये तरीका एक हो गया है ना, और मतलब और क्या कहते हैं, छोटा करने के लिए, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा, क्लियर। और एक हम ये सोचते हैं, ये करवाते हैं या फिर ये करते हैं, ध्यान रखना, एक ऐसा केस लेंगे जो कि दोनों यहीं पे आ जाएगा, है ना, बराबर। हमने ये सोचा यहां पे कौन कौन आ सकता है, फर्स्ट प्लेस में कौन कौन आ सकता है। आप बोलोगे सर यहां पे तो 6 आ सकता है या फिर 7 आ सकती है ना, 2 ही नंबर आ सकता है। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ बिट्स 2 लिख रहे हैं, 2 तरीका लिख रहे हैं, बराबर, या तो 6 या फिर 7, है ना। अच्छा यहां पे तो कोई भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है यार, तो कितने हो गए, 5, फिर 5, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 255, दैट इज 50। देखो यहां भी आया था क्या, 50 यार आया था ना, 25 + 25 कितने हो गए, 50 हो गया, है ना, क्लियर। तो आप ये भी कर सकते हो, हाँ बराबर। इसमें एक हो गया, एक बार में ऐसा निकल जाएगा, इसमें आपको 2 बार में निकालना पड़ेगा। अब कभी कभी क्या होगा ना, बहुत सारे केस लेने पड़ते हैं, 5, 6, 7, 8, हाँ। तो अगर इससे बन जाए एक में तो ज्यादा अच्छा है ना, हमारा टाइम बहुत बचेगा, क्लियर, टाइम बहुत बच जाएगा। चलिए अच्छा, अरे लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था ना हमने, वो कितने लोगों ने बनाया था,
इसको आप बनाइएगा तो अभी ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, ये अगर आपको क्लिक हो गया है तो इसका मतलब समझ जाना आपका अभी तक के अभी तक का कॉन्सेप्ट सही है एकदम। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी मेड, कैन बी मेड फ्रॉम डिजिट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। विदाउट रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन हाँ स्पेलिंग पे मत जाना यार तुम लोग, ये डबल टी होगा ऐसे क्लियर। ये आपको बताना है कितने नंबर्स है 3000 एंड 4000 के बीच जो कि नहीं, ये तो सिंपल हो गया, इसका कंटिन्यूएशन भी है हाँ, विच आर डिविजिबल बाई फाइव, विच आर डिविजिबल बाई फाइव, कितने ऐसे नंबर होंगे बिटवीन 3000 एंड 4000 जो कि विदाउट रिपीटेशन हो रहा है और 12 से डिवाइड जा रहा है ना, इसको आप ट्राई करो अच्छे से, अभी इसका आंसर बताओ ठीक है। तो समझना आपका कॉन्सेप्ट अभी सही है, चलो एक बार दे रहे हैं, दो मिनट का समय दे रहे हैं, चलिए दो मिनट बन जाएगा। ट्वेल्व बता दे, चलिए एक का आंसर आ रहा है ट्वेल्व, और किसी का अब ट्राई करो सही से, देखो आपको सब कुछ पता है, फाइव से एट नंबर डिवाइड कब जाता है जब उसकी लास्ट डिजिट फाइव हो या फिर जीरो हो है ना, 336 ठीक है, हम सारे आंसर लिख रहे हैं है ना, उसके बाद फिर हम समझाएंगे सारे आंसर हम लिख रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना बराबर, आंसर पे ज्यादा मत ध्यान देना, कॉन्सेप्ट हाँ जो समझाए वो आना चाहिए आपको ठीक है। और ये चैप्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है बराबर, तो इसको देखो हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ना, आपको लग रहा है पहले एकदम आसान प्रॉब्लम करा है, फिर ऐसा प्रॉब्लम, फिर इसके साथ कनेक्शन, फिर इसके साथ कनेक्शन है ना, स्टेप बाय स्टेप एकदम मतलब पढ़ाते हैं इस चैप्टर को हाँ। 180 भी आ रहा है किसी के आंसर, अच्छा 12 है ना, और एक बात आप दिमाग में रखना, जो पढ़ा रहा है वो एकदम तुम्हारा परम सत्य है ना, इसके आगे नहीं इसके बाहर नहीं ठीक है ना, इसका आप ख्याल रखें, जो पढ़ा रहे वही एकदम परम सत्य है, इसके आगे भी नहीं इसके कुछ पीछे भी नहीं हाँ, इसका आप ख्याल रखिएगा। हाँ चलिए बनाते हैं फिर,
हाउ मेनी नंबर्स, अच्छा हाउ मेनी नंबर्स बता रहे हैं मतलब कितने डिजिट बन गए यहाँ पे, चार बनेंगे ना, 3000 और 4000 के बीच कितने आते हैं, 3000 और 4000 के बीच कितने नंबर, कितने कितने डिजिट के बनेंगे, चार ही बनेंगे ना यार, है ना, थ्री डिजिट नहीं आने वाला है, बराबर। अच्छा अच्छा, अब तो फर्स्ट प्लेस में क्या होना चाहिए, क्या कुछ रेस्ट्रिक्शन आ गया क्या यहाँ पे? हाँ, एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, क्या आ गया कि वो पहला डिजिट क्या होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, क्लियर ना। अब आप सोचो फोर आ गया तो क्या हो गया, वो 4000 तो गेटर हो जाएगा ना, फाइव आ गया तब तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ, खत्म कहानी। तो यहां पे भैया हमने क्या किया, थ्री को फिक्स कर लिया, है ना, थ्री को हमने यहां पे क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। नंबर वेस कितना होगा यहां पे, एक होगा, कितना होगा यहां पे भाई, एक होगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ फिक्स करने की जरूरत है क्या? हाँ जरूरत है, क्या बता रहा है यहां पे, विच आर डिविजिबल बाई फाइव, है ना, जो कि फाइव से डिवाइड जाए, फाइव से डिवाइड जाने के लिए इस नंबर को, इस नंबर को क्या होना चाहिए, इसकी लास्ट डिजिट या तो फाइव आए या फिर जीरो आए, है ना। जीरो वाला देखो अभी हम नहीं करवा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको जीरो वाला करवाया जाएगा, हाँ नेक्स्ट क्लास में आपको जीरो का करवाया जाएगा, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए नंबर वेज क्या होगा तुम्हारा, एक ही बनने वाला है, क्या होगा, एक तरीका, है ना। तो फर्स्ट के लिए थ्री आएगा, इसके लिए नंबर ऑफ वेज वन, लास्ट में हमारा फाइव आएगा, उसके लिए भी नंबर ऑफ वेज फाइव। अच्छा, विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन आपको यहां पे अलाउ नहीं करना है। अच्छा, रिपीटेशन ही अगर अलाउ नहीं करना है तो तीन गया, पांच भी चला गया, कितने बच गए डिजिट, कितने बच गए आपके पास, तीन बच गए ना, नहीं चार बच गया, सॉरी 4, 6, 7, 8, तो कितने आ गए यहां पे, चार तरीके हो गए, और यहां पे कितने तरीके हो गए, तीन तरीके, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन की कहानी बता रहा है। अच्छा, आंसर क्या लिखोगे आप, एक गुना चार, गुना मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई वन, कितना हो गया यहां पे, बारह, तो जिनका बारह आया था वो आंसर सही है, बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा यहां पे, 12 वेज होगा, कि आपको यहां पे इतने नंबर्स बन पाएंगे। हाँ अच्छा, एक प्रॉब्लम बस होमवर्क देते हैं ना, बराबर, एक प्रॉब्लम होमवर्क देते हैं, उसका आंसर आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा, आज नहीं। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन थाउजेंड, और इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ग्रेटर देन थाउजेंड बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड विथ डिजिट 0, 1, 2, 3, 4. नंबर वन, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। सेकंड बता रहा है, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब थाउजेंड से ग्रेटर होना चाहिए, हाँ थाउजेंड से ग्रेटर मतलब थाउजेंड भी नहीं होना चाहिए, क्लियर, बट नॉट ग्रेटर देन 4000, मतलब 4000 हो सकता है, बराबर है, थाउजेंड नहीं होगा, 4000 हो सकता है, इसका आप ख्याल रखिए, हाँ ठीक है ना, थाउजेंड नहीं होगा, 4000 हो सकता है, बताया ना, बट नॉट ग्रेटर देन 4000, मतलब 4000 हो सकता है, बराबर। चलिए ठीक है, अभी यहां तक लेक्चर को भी एंड करते हैं ना, और इसको आप बनाइएगा, और जो बुक्स है उसको आप फॉलो करो, जो भी आपका टेक्स्ट बुक है, ऐसे आपको यहां से असाइनमेंट शायद दिया जाएगा, बराबर ठीक है।
चलिए फिर रखते हैं अभी, है ना। और किसी को डाउट उट नहीं है ना? डाउट उट नहीं है, होपफुली क्लास समझ में आया होगा आज का। और नहीं समझ में आने से एक बार फिर से आप देख लो यूट्यूब में, हाँ वो आपको लिंक आपको भेज दिया जाएगा। चलिए फिर अभी रखते हैं ना, ओके फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके बाय।